नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। दिल्ली, बेंगलोर, जयपुर, कलकत्ता, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बहुत सारी जगहों से रोज हमारे को बहुत सारे जवाब आते हैं। आप लोगों के बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, जो कि हमारे को बार बार मोटिवेट करते हैं कि हम ऐसी साखियां रोज आपके लिए लेके आते रहे। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभी हाल ही में हमारे एक व्यूअर जो कि रोज साखी देखा करते हैं, ऐसे एक डॉक्टर थे जो कि ट्रिनिटी हॉस्पिटल बेंगलोर में हार्ट सर्जन है। उन्होंने हमारे से एक ऐसा किस्सा शेयर करा जिस किस्से को सुन के हमसे रहा नहीं गया और हमें लगा कि ये बात जो उन्होंने हमें बताई है ये आप सभी के साथ भी शेयर करनी जरूरी है। जी हाँ, आप जो है हार्ट सर्जन हैं और आपने बताया कि कुछ महीने पहले मेरे पास एक छोटी सी बच्ची को लेकर उसके माता पिता आए। उस बच्ची का हार्ट काम नहीं कर रहा था और जब उसकी हार्ट की का जब चेकअप किया गया तो मालूम चला कि ये बच्ची ज्यादा समय बच नहीं पाएगी। उन डॉक्टर साहब के हिसाब से इस बच्ची का जीवन सिर्फ 3 महीने का था। अगर उस बच्ची की ओपन हार्ट सर्जरी कर दी जाती तो शायद उस बच्ची के बचने के 30% चांसेस थे। तो उस बच्ची के माता पिता ने यह डिसीजन लिया, जिन डॉक्टर साहब ने हमें बताया उन डॉक्टर साहब से बात करी और उनसे बात करके ये बताया कि हमारे पास जब 30% चांस है तो हम उस चांस को लेना चाहेंगे। हम चाहते हैं आप अपनी तरफ से भरसक प्रयास करें और हमारी प्रार्थना परमात्मा जरूर पूरी करेगा, परमात्मा जरूर हमारी बच्ची को बचाएगा। डॉक्टर साहब का कोई परमात्मा में खासा विचार जो विश्वास था कोई बहुत विशिष्ट नहीं था, पर हाँ किसी के थ्रू कोई ऐसा व्यक्ति थे कि जो उनको व्हाट्सएप पे हमारे सिटी वेब की वीडियो भेज दिया करते थे और वो सिटी वेब की वीडियो लगभग रोज कभी कभार ऑन एंड ऑफ कभी देखते थे कभी नहीं देखते थे, ऐसे कभी देखते थे। डॉक्टर साहब ने कभी साधना नहीं करी, कभी आध्यात्मिक चीजों में कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं रही ली, पर उनका कहना है, उन्होंने धन्यवाद दिया हमारे सिटी वेब को कि फिर भी मुझे जो कहानियां हैं जो जिस तरह से सुनाई जाती है वो पसंद आती है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने जब उनको बोला कि ठीक है आप ओपन हार्ट सर्जरी के लिए अपनी बेटी को ले आए, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जब वो उस बच्ची को ऑपरेशन थिएटर पे लेके गए और जब उन्होंने ऑपरेशन थिएटर से पहले जब कुछ दिन वो हॉस्पिटल में रही तो एक बहुत अच्छा रिश्ता कायम हो गया था। और एक दिन जब डॉक्टर साहब को याद आया ऑपरेशन करते हुए कि एक दिन जब डॉक्टर साहब उस बच्ची से मिलने आए और उन्होंने बोला कि बेटी आप फिक्र मत करो, आपका जो सर्जरी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, डॉक्टर साहब आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे, तो उस बच्ची ने डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब मेरी मम्मी कहती है कि मेरे दिल के अंदर परमात्मा बैठे हैं और जब आप मेरा ऑपरेशन करो मेरे हार्ट का तो आप उन परमात्मा की फोटो खींच लीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा ऑपरेशन के बाद कि परमात्मा दिखते कैसे हैं। तो ये बात जब डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे थे उस समय पे उनके मन में पता नहीं कहां से विचार कौंध गया और जब ये विचार आ गया तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते करते ध्यानमग्न हो